अच्छा मुंडा बिगड़ा जाए के बारे में थोड़ा सा मैं बताई, मैंने खुद भी जाके सिनेमा में देखी थी तो उसमें आप जो सोलो एक विलन का आपने कैरेक्टर किया था, पानी में से जिंदा बाहर निकल के ऊपर बार वापस आ जाते हैं। एक फिल्म थी दिल संभाला ना जाए, थी इकबाल कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर थे। तो शूट कहाँ हो रहा है हमारा, रावल डैम, मैं और साउथ साहब, तो हम दोनों का एक्शन हो रहा है। तो डायरेक्टर ने शॉट ये बनाया, कैमरे के ऊपर से मैं गया हूँ पानी के अंदर, तो मैंने कहा यार देख लो यार इसके अंदर पानी कितना है, हालांकि मुझे तैराकी नहीं आती। कहने लगे साउथ जब चीमा जाए ना तो फौरन इनके ऊपर जाना, तुम दोनों गुथम गुथा होना और ऊपर से पुलिस आएगी आपको किडनैप कर लेगी और यहाँ तक मेरा शॉट है। मैंने एक लड़के को कहा यार मैंने कोई लंबी से कोई छोटी लो कोई 8-10 फुट की, इसके अंदर देखो पानी कितना कितना है। उसने देखा पानी 2 फुट या 3 फुट या 4 फुट इससे ज्यादा पानी नहीं था। मैंने कहा यार थोड़ा सा दूर चले जाओ, हो सकता है कि हम गुथम गुथा लड़ते लड़ते थोड़ा सा दूर चले जाएं। हाँ। तो डायरेक्टर साहब ने कहा चीमा ओके, मैंने कहा जी ओके शॉट, उनका कैमरा। तो मैं जब ऊपर से गया हूँ तो मैंने कहा साउथ को, साउथ जब मैं बाहर पानी निकलो ना, आपने मेरा सर पानी से बाहर निकला तो फिर तुम जंप करना ताकि मैं आपको पकड़ लूँ। जब उसका मेरे ऊपर वजन पड़ा ना तो जहाँ पे मैं खड़ा था वो पानी नहीं था, वो तय थी बनी हुई पानी के ऊपर, वो वहां से जमीन फटी और हम दोनों जमीन के अंदर चले गए। वो दलदल थी, वो उसके ऊपर पानी जमा हुआ था, हम दोनों ही गायब हो गए। हाँ, तो मैं नीचे से देख रहा हूँ ऐसे ऐसे, वो भी कोई लोग कह रहे हैं कि बाहर निकलो बाहर निकलो। जब हम बाहर निकले तो हम 12-14 फुट दूर चल जा चुके थे। जब हम दोनों ने सर बाहर निकाला तो साउथ साहब को तैरना आता था, मैंने जब सर बाहर निकाला तो मैंने कहा साउथ साउथ मेरे पांव जो है वो जमीन पे नहीं लग रहे, साउथ मुझे पकड़ ले, साउथ मुझे बचा ले। साउथ ने क्या किया, मुझे धक्का देकर ना साउथ ने तो मुझे दूर फेंक दिया और साउथ साहब आप तैरते हुए बाहर निकल गए और मैं गधे की तरह अड़ींग रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ लोगो मुझे बचा लो, लोगो मेरे पांव जमीन पे नहीं आ रहा है, लोगो मुझे पकड़ लो, लोगो मुझे पकड़ लो, लोगो मुझे पकड़ लो। लेकिन सब यही कह रहे थे पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, लेकिन पकड़ने वाला आगे कोई नहीं था, एक मैं था और एक मेरी मौत थी। फिर कैसे? और एक सिर्फ आवाज आई ध्रम और मैं पानी के अंदर गायब था। जब मैं दूर सारी जाकर निकला तो मेरा पेट जो था ये पानी से भर चुका था, अब मेरी आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि आवाज निकलती है फेफड़े खाली हो और हवा हो, आवाज बंद हो चुकी थी, पेट फूल चुका था और मैं इशारों से सिर्फ कह रहा था मुझे पकड़ लो। मेरा एक छोटा भाई है जो डायरेक्टर है इस वक्त, नदीम चीमा, ये मेरे साथ थे, वो बर्दाश्त ना कर सका, उसने छलांग मार दी। मैंने अपनी आंखों से देखा जब मुझे होश आया मेरी आंखों के सामने वो उसने छलांग मार दी, मुझे इतनी होश है कि वो मेरी आंखों के सामने डूब गया। मैंने कहा यार चीमा मर गया यार, और मुझे उसके बाद नहीं पता, मुझे लोगों ने बताया कि कोई शख्स था जो अल्लाह का फरिश्ता बनकर आया, उसने अंदर छलांग मार दी, वो आकर कभी आपको बालों से पकड़ लेता, कभी आपके छोटे भाई को पकड़ लेता, वो हमें घसीटता घसीटता हमें किनारे पर ले आया। जब मुझे होश आया तो मुझे इतना याद है कि मेरे मुंह से पानी निकल रहा था और मेरे मुंह से फौरन ये लफ्ज़ निकले नदीम मर गया। अब नदीम चीमा जो है वो मैं गया, वो मर गया। तो मैंने देखा तो शोर पड़ा हुआ था, उसको भी पकड़ा हुआ लोगों ने, मैं भागा हुआ गया। मैंने जब लोगों ऐसे किया ना तो उसको उल्टा उन्होंने लटकाया हुआ, मुंह से उसका पानी निकला, उसको पेट को ऐसे ऐसे दबा रहे हैं तो पानी उसके निकला, उससे भी होश आ गया। हम दोनों भाई एक दूसरे के सीने के साथ लाकर इस तरह रोए कि जैसे ज़िंदगी में हम पहली बार एक दूसरे के साथ मिले हैं। तो ये फिल्मों में जो जूनियर एक्टर हैं उनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए, जो प्यार, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है, टैलेंट जो है ये छुपा नहीं रहता, ये जमीन फाड़ कर बाहर निकल आता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इसी तरह हादसा ये था मुंडा बिगड़ जाएगा जी। तो शायद आपने आखिरी पे वो शॉट देखा हो, तो मेरे यहाँ पे गोली लगती है तो मैं उस जाता हूँ तालाब में, तो मैं जा रहा हूँ चलते चलते चलते, वो कोई 21 फुट मतलब वो तालाब था। हाँ। तो मैं सिर्फ अपने शॉर्ट को रंग भरने के लिए, आप यकीन कीजिएगा, मैं जा रहा था, शमीमारा बेगम ने कहा माँ ने कि पकड़ो इसे, पता नहीं ये मर चुका है ये, मतलब जा रहा, क्योंकि वो डेथ थी ना तो वो पानी में ऐसे जा रहा है। तो मेरे उसी भाई ने फिर उसमें छलांग मार दी, तो वो तैराकियों ने हमें दोनों को
बाहर निकाला, ये थी मुंडा बिगड़ा जाएगी कुर्बानी। सूर्या सूर्या क्या बात है।